गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में हम कई चीजें न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, सब में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक हमारा मेन एक्ट रहता है ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1889 में जो पहली बार बना था, वो छूट जाता है, कहीं ना कहीं हर डिस्कशन में छूटता है। हम शुरुआत इसी से करेंगे इसकी, और इसी के साथ फिर हमारी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की, वो हम कवर करेंगे। कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, रूलिंग के दौरान इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1889 पहली बार बना था 1889 में। इसके ऑब्जेक्ट क्या थे? टू मजलिंग द वॉइस ऑफ न्यूज़पेपर अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज। ये सब इसलिए बनाया गया था कि उस टाइम के जो न्यूज़पेपर थे, पुलिस का जो अत्याचार था कॉलोनियल गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए, क्योंकि थोड़े दिन पहले तो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उन सब को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो उन सब के अगेंस्ट जो अत्याचार थे वो सिविलियन भी थे, और उस टाइम की जो प्रिंसली स्टेट थी उनके ऑफिसर्स भी थे, वो सब इंक्लूड थे। उनके अगेंस्ट जो न्यूज़पेपर कवरेज थी उसको रोकने के लिए बना था इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1889 में पहली बार। उसके बाद इसको अमेंड किया गया इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 से, और जो लास्ट अब हम पढ़ते हैं आज के टाइम में वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है। 1923 का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट था सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन गवर्नेंस इन द कंट्री। जो गवर्नमेंट है स्टेट की, उसको जो चलाने का सिस्टम बना हुआ है, डेवलप किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, या उस टाइम जो गवर्नमेंट थी, अभी तो वही चल रहा है हमारे पास एक्ट को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इसमें इंप्लीमेंट हो चुका है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, उनमें कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने के लिए, और इसमें जो अपनी मेजर हैं ऑफिसेज, जैसे रेलवे है, इससे पहले आर्मी, फिर अपना ये इसरो, इस तरह के जो ये कंपनीज हैं स्टेट की बड़े वाली, वो सब ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अंडर कवर होती हैं। उसका रीजन क्या है, वैसे पर्टिकुलरली कहीं डिफाइन किया गया नहीं ऐसा है, लेकिन सेक्शन 3 है जो इसका ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का, उसमें प्रोहिबिट किया गया स्पाइंग को। स्पाइंग है जासूसी। ये प्रमोट करता है कि हम लोग अपनी जो गवर्नमेंट है, अपनी जो स्टेट है, उसके प्रति ईमानदार रहें, नेशनलिज्म हमारे अंदर रहे। तो ये जो पर्पज था सेक्शन 3 का, प्रोहिबिट स्पाइंग, इसका पर्पज यही था कि जो वर्कर्स हैं, स्टाफ है ऑफिस का, वो जो ऑफिस की इंफॉर्मेशन है उनको लीक ना करें। अब सपोज करो, मान लो हम मान लें कि आर्मी से, इसरो से, रेलवे से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो सीक्रेट होगी, हो सकती है, लेकिन बाकी पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, जो पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, उनमें सीक्रेसी किस तरह हो सकती है? उसको मेंटेन करने का क्या पर्पज है? वो ये है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उसके साथ ही जो दूसरी कंपनीज हैं, प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं, वो भी अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको मॉडिफाइड करते हैं टाइम टाइम पे, ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो बीडिंग होगी उसमें वो आगे आ सके, वो सब होते हैं। उसके बाद इसमें आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया सीक्रेट इंफॉर्मेशन को। सीक्रेट इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है? कोई पासवर्ड हो सकता है, कोई कोड हो सकता है, कोई स्केच हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, ये किसी बिल्डिंग का डिजाइन भी हो सकता है, ये कंटोनमेंट जोन भी हो सकते हैं, इंडियन आर्मी के जो कैंट हैं उनके डिजाइन भी हो सकते हैं, रेलवे का भी है, इसरो भी है। कहने का मतलब है कि जो नेशनल इंपोर्टेंस के जितने भी अपने एस्टेब्लिशमेंट हैं वो सब कवर होते हैं ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अंडर, उनको कवर किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सीक्रेट वर्ड को कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सी चीज सीक्रेट हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। ये फैक्ट और सर्कमस्टांस पे डिपेंड करती है कि कौन से ऑफिस की फाइल है, किस सीनियर ऑफिसर ने उसको सीक्रेट फाइल बना दिया, वो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है।
इसमें दो इंपॉर्टेंट केस है। एक अपना केस है जो सबसे लंबा चला था 1985 में, कुंवर नारायण स्पे केस। इसमें क्या था, कुंवर नारायण एक जासूस केस हुआ है। इसके अंदर क्या था, 12 स्टाफ मेंबर थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के, उनको 2002 में 10 साल की जेल हुई, 10 ईयर इंप्रिजनमेंट हुआ। किसके लिए, कि जो कुंवर नारायण जासूसी केस था, इसमें क्या हुआ, जो ये 12 स्टाफ मेंबर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने फ्रेंच, जर्मन, पोलिश, ये जो तीन नेशनल हैं, इनके एम्बेसी को, उनके जो राजदूत हैं, ऑफिस हैं, बाकी एम्बेसी का जो ऑफिस है, उन सबको डिफेंस, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, इनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इन पे था, एलिगेशन कि इन्होंने उनके साथ शेयर की है। ये सबसे लंबा ट्रायल चला, 1985 में शुरू हुआ था, 2002 में आके 10 साल की इनको पनिशमेंट मिली, ओएसए एक्ट के अंडर, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अंडर। फिर इसके अंदर दूसरा केस आता है अपना इसरो का, ये सीनियर साइंटिस्ट थे, हालांकि एक्विटल हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं, इनके ऊपर जितने चार्जेस थे वो उन सबसे बरी हो चुके हैं। सीनियर साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एस नाम्बी नारायण। एस नाम्बी नारायण के ऊपर एलिगेशन ये लगाया था कि इन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के साथ शेयर किया है, उसका डिजाइन है, किस तरह बनेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर की गई, वो उनके ऊपर एक्ट लगा था, ओएस एक्ट के अंडर प्रोसीडिंग चली, लेकिन अभी बरी हो चुके हैं, प्रूव नहीं हुआ कि इन्होंने ऐसा कुछ शेयर किया था। तो हमारा जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और जनरल पब्लिक को भी, अगर उनकी इंफॉर्मेशन है कोई जो स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट के डोमेन की है, वो हम किसी के साथ शेयर ना करें। अब हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की डेवलपमेंट की। राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड किस किस को करता है, कौन कौन से पार्ट आते हैं, राइट टू थिंक। जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई जानकारी नहीं होगी, सूचना नहीं होगी, तो हम सोचेंगे कैसे, एनालाइज कैसे करेंगे। उसके बाद सेकंड आता है राइट टू मेक च्वाइस। अधूरी सूचना होगी, कोई जानकारी नहीं होगी, तो हम अपनी च्वाइस किस तरह डेवेल्प करेंगे, च्वाइस को डेवेल्प करने के लिए भी इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। उसके बाद है राइट टू एक्सप्रेस, आर्टिकल 19 में दे रखी हमें राइट टू एक्सप्रेस की जो फ्रीडम हमें दी गई है। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उस केस में हम एक्सप्रेस करेंगे क्या, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमने सोचा नहीं, च्वाइस नहीं बनी, तो फिर एक्सप्रेस हमें करना क्या है, ये भी एक रहेगा। उसके बाद फोर्थ आता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। अब पीएमओ ऑफिस के 12 ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अंडर उनको इम्प्रिजनमेंट होगी 10 साल की, 10 साल की सजा उनको होगी। दूसरे फिर अपने साइंटिस्ट साहब हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगा था कि पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन शेयर की, लेकिन वो बरी हुए, लेकिन सोसाइटी में तो एक स्टिग्मा लगा, उन्होंने एक ट्रायल फेस करना पड़ा, एक लंबा ट्रायल फेस करना पड़ा, जो कुछ उन्होंने किया भी नहीं उसके बाद भी। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो एसेंशियल पार्ट है वो ये सब है कि ये सब होंगे तभी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट या जो इसके बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। इसकी हिस्ट्री में क्या होता है, 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई आधी रात को, उस टाइम जो गवर्नमेंट थी और प्रेसिडेंट साहब भी रशिया में थे, वहीं से फोन पे इमरजेंसी लग गई उस टाइम। तो इमरजेंसी लग गई, लगने के बाद जितने भी नेशनल लीडर्स थे अपोजिशन पार्टी के, रूलिंग पार्टी के, उन सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया दोबारा। फिर उसके बाद 1977 में जब इलेक्शन हुआ, मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री बने, और मोरारजी देसाई जी ने वादा किया था कि हम जो देंगे वो एन ओपन गवर्नमेंट होगी, वो खुली सरकार होगी, जनता को हर चीज पता होगी। हालांकि पिछले जब ये जेल में थे इन्होंने बहुत कुछ भुगता होगा, तो इनका ये माइंड था कि जनता को पता होना चाहिए कि स्टेट कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, क्या उसके रीजंस हैं। ये इस नेशनल इमरजेंसी के बाद इन्होंने बनाया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक वर्किंग ग्रुप बनाया ऑफिसर्स का, ताकि जो 1923 का अपना ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है इसके ऊपर कुछ काम किया जाए, क्योंकि ये जो यहां तक क्या था, स्टेट ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ओएसए एक्ट 1923 लिख देते हैं ऊपर, जानकारी आगे मिलती नहीं। तो इन्होंने कोशिश की, एक वर्किंग ग्रुप बनाया,
रिव्यू के लिए 1923 एक्ट के, लेकिन उस कमेटी ने भी, रिव्यू ग्रुप ने भी कोई सुजेशन ऐसा नहीं दिया कि इस एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। रीजन ये था क्योंकि ये जो एक्ट है ये आज के टाइम में नेशनल इंपोर्टेंस का है। अगर ये एक्ट हट जाएगा तो हमारे डिफेंस रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, इसरो से है, स्पेस साइंस है, काफी जो मेजर पार्ट है, अगर वो पब्लिक डोमेन में आएगा तो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा। इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ चेंज उसमें सुजेस्ट किया नहीं। '86 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में जो डिसाइड हुआ था, मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये केस था। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लियरली इंप्लाइज राइट टू इंफॉर्मेशन। ये फर्स्ट टाइम हुआ था ताकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है राइट टू इंफॉर्मेशन की। उसके बाद आप सभी को पता ही है एक बोफोर्स स्कैम हुआ था, डील हुई थी, कुछ तोपे खरीदी गई थी, उसमें कुछ था स्कैम नाम दिया गया, लेकिन था क्या वो तो सरकार जाने। उसके बाद 1989 में वीपी सिंह सरकार बनी, वीपी सिंह जी एक सरकार बनी थी, वीपी सिंह उसमें प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने फिर से वादा किया था जो मोरारजी देसाई ने वादा किया था कि ओपन गवर्नमेंट देंगे। कमेटी बनी थी, रिव्यू हुआ था, लेकिन कोई डिसीजन नहीं आ पाया। उसके बाद बोफोर्स स्कैम हुआ, बोफोर्स के स्कैम के बाद गवर्नमेंट बनी वीपी सिंह की, और उन्होंने फिर से प्रोमिस किया कि हम एक अच्छी गवर्नमेंट देंगे, पब्लिक को सब पता होगा, जो जानकारी उनको चाहिए वो सब हम देते रहेंगे। '94 में मजदूर किसान शक्ति संगठन, एक राजस्थान में रूरल वर्कर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो रूरल वर्कर के राइट्स के बारे में बात करती थी, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, और उस मूवमेंट की वजह से ईयर 2000 में राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाना पड़ा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 2000 में बन गया है। दूसरी कैंपेन एक चली थी 1996 में, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। इस कैंपेन के बाद ही हमारा जो आज का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है जो हमारे पास, वो बनके तैयार हुआ था इस कैंपेन के बाद। पहला स्टेट बना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाने वाला अपना तमिलनाडु। 1997 में तमिलनाडु ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया, स्टेट एक्ट इंप्लीमेंट किया। दूसरा स्टेट बन गया फिर गोवा, गोवा ने भी 1997 में ही अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया। ईयर 2000 में राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन तीन स्टेट ने अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना दिया था। राजस्थान में ये मूवमेंट चली थी मजदूर किसान शक्ति संगठन, उनके डिमांड के ऊपर 2000 में बनके तैयार हुआ। हालांकि मूवमेंट पहले वहां चली थी, तमिलनाडु में पहला एक्ट 1997 में बनके तैयार हुआ। ईयर 2001 में दिल्ली गवर्नमेंट है जो अपनी एनसीटी दिल्ली, उन्होंने अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया। और फाइनली ईयर 2002 में वाजपेयी गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके टाइम में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 बनाया गया। उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को रिव्यू किया गया, और फाइनली फिर एनडीए गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री थे हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बन के आया। जो पहला जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो ड्राफ्ट था तैयार हुआ, उसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एप्लीकेबल होना था सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सिर्फ उनको कवर किया जाना था। लेकिन जो ये थी नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, इन्होंने फिर से मूवमेंट चलाई। इनकी मूवमेंट चल तो रही थी, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद ये जो 2005 का जो एक्ट था, ये पूरे नेशनल वाइड, स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट पे इक्वली एप्लीकेबल हुआ। ये हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसकी हिस्ट्री हम पढ़ी, ये पूरी डेवलपमेंट पढ़ी।
लेकिन अब भी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 एप्लीकेबल है। इन दोनों का कंपैरिजन और देखते हैं। अभी राइट इंफॉर्मेशन एक्ट एंड ओएसए ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की एक है ये कंपैरिजन थोड़ा सा। सेक्शन 22 राइट इंफॉर्मेशन एक्ट का जो है वो प्राइमेसी देता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को जितने भी अपने एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन सब के ऊपर प्राइमेसी किसकी रहेगी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की। अगर कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट है किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है किसी दूसरे कानून में और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आर्टिकल 22 के अंडर आरटीआई का जो लॉ है वो सुपरसीड करेगा क्योंकि आरटीआई प्रिवेल करेगा उसको मानना पड़ेगा हमें। लेकिन इसी के साथ ही सेक्शन 8 और 9 है आरटीआई एक्ट में 8 और 9 में एग्जेम्पशन दी गई है। अब वो एग्जेम्पशन क्यों दी गई है वो किस पे डिपेंड करती है वो क्लास 6 पे डिपेंड करती है ओएसए एक्ट 1923। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट क्लास 6 में है कुछ और 5 में है जो उसके अंदर एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं वही 8 और 9 में डाली गई है। ये आरटीआई के अंदर कवर नहीं होती। 8 और 9 के अंदर जो मैटर्स हैं वो राइट इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर कवर नहीं होते। लेकिन फिर एक और है इसमें फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी जानकारी को किसी भी फाइल को अगर ऑफिसर क्लास 6 ओएसए एक्ट के अंदर कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट या नेशनल इंपोर्टेंस का अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है क्लास 6 ओएसए एक्ट के अंदर तो उसके ऊपर सेक्शन 22 आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा और स्टेट वो इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड नहीं है। कंडीशन यही है कि क्लोज 6 के अंडर उसको एग्जेम्प्ट उन्होंने किया है वो तब एप्लीकेबल रहेगा और बाकी जितने केसेस हैं उनमें आरटीआई एक्ट सुपरसीड करेगा। जितने भी इफेक्ट हैं दूसरे कानून के वो इसके ऊपर आरटीआई लॉ पे नहीं होंगे और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी।